मिस मार्वल का थर्ड एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के अंदर में बहुत कुछ दिखाया गया है, इतने सारे इंस्टर एग है और मेरी थ्योरी नेगा बैंड वाली वो कम्प्लीटली ट्रू हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के थर्ड एपिसोड के बारे में। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें दिखाया जाता है 1942 का सीन जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि 1940s के दौरान जो है वो इंडिया में से ब्रिटिश को बाहर भेजने की जो तैयारी थी ना वो पूरे तरीके से हो चुकी थी। हमें गैंग दिखाया जाता है लोगों का जो कि कुछ सर्च कर रहा है और हमें देखने को मिलती है आयशा जो कि एक्चुअल में कमाला खान की ग्रेट ग्रैंडमदर है। हमें साथ में देखने को मिलती है नजमा जो कि कमाला की माँ है और वो कुछ सर्च कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो किसी बैंड के बारे में सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहते हैं और उसको वो बैंड मिल भी जाता है। अब गौर से सुनना मेरी बात को, जब वो बैंड मिलता है तो आप देख सकते हैं किसी हाथ के अंदर है और वो जो हाथ है वो ब्लू कलर का है, यानी ये जो बंदा पड़ा हुआ है जिसके हाथ में से बैंड को उठाया जा रहा है ये एक्चुअली में क्री का मेंबर है। जी हाँ, यानी मेरी पुरानी वाली थ्योरी जिसमें आपको बताया था ये क्री के बैंड हो सकते हैं वो कन्फर्म होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है नजमा और आयशा की कन्वर्सेशन से कि एक्चुअली में जो बैंड है वो टोटली दो हैं और एक बैंड अभी है और एक बैंड नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने आपको बोला था कि ये नेगा बैंड होने वाले हैं जो कि क्री के होने वाले हैं और ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि अब ये कुछ और नहीं है, नेगा बैंड ही है। ये इतनी बड़ी चीज़ है एमसीयू के अंदर जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि अब हमें सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ साथ ओरिजिनल कैप्टन मार्वल देखने को मिल सकता है अगली मूवी के अंदर। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि अब जो है मिस मार्वल का जो कंटिन्यूशन है वो होने वाला है द मार्वल्स मूवी के अंदर और द मार्वल्स मूवी के अंदर हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि इन बैंड्स का ओरिजिन क्या था। जी हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि वो दोनों सर्च करते हैं। उसके बाद हमें ऊपर का शॉट दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है 10 रिंग्स का लोगो। अब आपको याद होगा तो शैंगची के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वोंग है वो 10 रिंग्स को जज कर रहा होता है ना और बता रहा होता है कि इनका जो ओरिजिन है ना वो स्पेस के अंदर कहीं पे है, ये एक बीकन की तरह काम कर रही है। इसका मतलब है कि उसी एंशियंट रेलिक की तरह ये नेगा बैंड भी है। उस टाइम कैप्टन मार्वल वहाँ पे मौजूद थी जब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया 10 रिंग्स पे, लेकिन अब उसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 10 रिंग्स और नेगा बैंड मिलकर कुछ ना कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्यूचर ऑफ द एमसीयू के लिए बहुत ही बड़ी बात है, खासकर कॉस्मिक साइड के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब कमाला खान के पास वो पावर्स आ चुकी हैं जो कि उसको स्पेस में ले जा सकती हैं और कहीं ना कहीं मिस मार्वल को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। ऑब्वियसली ये नेगा बैंड से और ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट था कि एक्चुअली में है क्या कि कमाला खान के पास इंटरनल पावर्स हैं, तो मेरे हिसाब से इंटरनल पावर्स भी हो सकती हैं बट ये है नेगा बैंड्स और कुछ भी नहीं है। तो एपिसोड के अंदर में दिखाया जाता है कि किस तरह से नजमा जो है वो एक्चुअल में कमाल खान को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि हमारा नाम जिन है और आपको ऑलरेडी पता है कि जिन क्या होता है, मुझे उसके बारे में शायद इंडियंस को तो बताने की जरूरत नहीं है। जिन इज अ सुपर नेचुरल बींग और कुछ लोग उनको डीमन मानते हैं, कुछ लोग उनको हेल्पर मानते हैं, बहुत ही अलग अलग एक तरह से सोच है लोगों की उसके बारे में। बट यहाँ पे पता चलता है कि एमसीयू के अंदर जिन है ना वो एक्चुअली में रेस ऑफ बींग्स है जो कि इस डायमेंशन में बिलोंग नहीं करते, वो दूसरी डायमेंशन में बिलोंग करते हैं। तो नजमा जो है वो कमाला खान को बताती है कि अगर वो बैंड तुम हमें दे दोगे तो एक की है ये जिससे हम अपनी डायमेंशन के अंदर जा सकते हैं। कमाला खान शुरुआत में थोड़ी सी हेजिटेंस है और उसको लग रहा है कि इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसको अपने भाई की वेडिंग भी करनी है। और अब हमें दिखाया जाता है वेडिंग का सीन जो कि टोटली इंडियन है, मतलब इतने सारे इंडियन गाने साथ साथ जूता चुराई की रस्म और एक तरह से जो इंडिया में डांस होता है ऑब्लिगेटरी शादी के बाद आपको पता ही है दूल्हा दुल्हन को बैठा के डांस करते हैं, वो भी हमें देखने को मिला। इतने सारे इंडियन गाने और बिल्कुल इंडियन टच, मुझे तो बहुत मजा आया। उसके अलावा दिखाया जाता है कि एक्चुअली में ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद में जो कामरान है वो आता है कमाला खान के पास में और बताता है कि मेरी माँ है तो तुम्हारे पास आने वाली है और तुमसे बैंड छीनने की तैयारी करने वाली है। कमाला खान बोलते हैं कि मैं मदद करना चाहती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या हमें करना चाहिए। ब्रूनो को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कामरान और उसकी जो फैमिली है ना, यानी जो जींस वाला कैरेक्टर है ना, जो सारे के सारे बंदे हैं ना, वो कमाला खान को हार्म कर सकते हैं, तो वो बोलता भी है कि उनकी हेल्प मत करना, एटलीस्ट अभी तो मत करे जब तक मैं सब कुछ फिगर आउट नहीं कर रहा। हम देखते हैं कमाला खान के ऊपर जो जिन वाला गैंग है वो सारे के सारे अटैक कर देते हैं और फाइनली कमाला खान जो है अपनी पावर्स को डिस्कवर कर लेती है। इस एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, बस दो तीन चीजें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देख सकते हैं कि जब वो ब्रूनो से बात कर रही होती ना उसने वॉर मशीन की टी शर्ट भी पहन रखी होती है, या इट्स एन ईस्टर एग। ब्रूनो यहाँ पे ये भी मेंशन करता है कि मैं इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के ऊपर एक पेपर रीड कर रहा था जो कि लिखा था एरिक सेल्विक ने, और आप एरिक सेल्विक को तो ऑलरेडी जानते हो, लास्ट टाइम हमने उनको देखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर और आई थिंक थॉर 4 के अंदर भी उनका पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिक सेल्विक अभी भी मौजूद है और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के ऊपर। शायद थॉर 2 के इवेंट्स के बाद में उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया होगा, क्योंकि थॉर 3 यानी कि रैग्नारोक के अंदर तो हमने एरिक सेल्विक को कहीं पर भी नहीं देखा था।
अगर इस ट्रैक की बात करें तो इस एपिसोड के अंदर इंडिया से रिलेटेड इतने सारे इस ट्रैक है, इतने सारे गाने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, सुन लोगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि अब कमाला खान को पता चल चुका है कि जो दिन वाले कैरेक्टर है ना वो मेरे पीछे आ रखे हैं। आप देख सकते हैं एपिसोड के एंड आते आते ना जो DODC के मेंबर्स हैं वो आते हैं और ये जो क्लैंडेस्टाइन कैरेक्टर्स हैं इन सबको लेके चले जाते हैं और कमाला खान की जो पावर्स हैं वो फाइनली पता चल जाती है नाकिया को और ब्रूनो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और वहां पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारी कमाला खान की फैमिली है ना वो उससे पूछती भी कि एक्चुअली में चल कर रहा है, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कमाला खान के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि क्या मुझे फैमिली को बता देना चाहिए। अगर वो बता भी देगी तो भी क्या होगा, क्योंकि वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे जो कि एक्चुअली में उसके साथ बीत रही है। एंड में हम देखते हैं कि उसकी नानी का फोन आता है जो कि बोलती है क्या तुम्हें ट्रेन दिखी। तो ऑब्वियसली ये जो ट्रेन वाला सीन था ना ये हुआ था हमारी कमाला खान के साथ में, तो उसकी नानी को कैसे पता। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे बात समझ सकते हैं कि शायद उसकी माँ को भी ये चीज फील हुई होगी, क्योंकि सबके अंदर सेम DNA है। उसकी नानी के अंदर सेम DNA था, उसके ग्रेट नानी के अंदर भी सेम DNA, उसकी माँ के अंदर भी, उसके अंदर भी, ये सब लोग वो हैं जो कि उस बैंगल को पहन के उस DNA को अनलॉक कर सकते हैं और पावर्स को ग्रैप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सीरीज के एंड में कहीं पे हमें देखने को मिले कमाला खान की माँ जो कि बैंड पहनेगी और अपनी पावर्स को डिस्कवर करेगी, ऐसा हो सकता है। थ्योरी है, कंप्लीटली थ्योरी है, जरूरी नहीं है। सब एपिसोड के अंदर एक मेजर चीज भी है जो हुई है वो ये है कि अब ये चीज हमें पता चल चुकी है कि ये है नेगा बैंड्स और ये एक के सेट में नहीं आते, मतलब ये एक नहीं है, दो है। So where's the other one? I told you, the British have probably looted this place twice over by now. Then one will have to do. देखते हैं नजमा और आयशा जब कन्वर्सेशन करती है ना तो वो बात भी करते हैं किसी तरह से, अभी एक बैंड है हमें एक और चाहिए, इसका मतलब ये कि एक बैंड और कहीं मौजूद है और ऐसा हो सकता है कि इन सब के पीछे एक ऐसा विलन हो जिसके पास ऑलरेडी एक बैंड हो और वो कमाला खान के बैंड को लेके अपना सेट कंप्लीट करना चाहता हो और अपने जो भी एक तरह की इच्छाएं हैं और विशेष उनको पूरा करना चाहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज एंड के आते आते ना जो कमाला खान के पास एक बैंड है वो दो हो जाए, यानी इन द सेंस जो विलन के पास जो बैंड था ना वो भी कमाला खान को मिल जाए और कमाला खान की ट्रू पावर्स हमें देखने को मिले। ऑलरेडी थ्रेस कर रखा अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर, तो उनको भी जाके देख लेना। तो ये था गाइस बेस्ट मार्वल का थर्ड एपिसोड। पहले तो मुझे ये लग नहीं रहा था कि आज एपिसोड आएगा, क्योंकि आज डॉक्टर शेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। अब आप आराम से उसको देख सकते हो इफ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बाय द वे मुझे एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, टू मच हैप्पी आई एम बिकॉज मेरी जो थ्योरी थी वो सच हो चुकी है और मुझे पता चल चुका है कि एपिसोड का एंड कहाँ तक जा रहा है, मतलब शो का एंड कहाँ तक जा रहा है और कहानी फ्यूचर के अंदर कहाँ पे लेके जा सकती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर मुझसे कोई इश्यू लाइक छूट गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डिटेल छूट गया वो भी बताना। और आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि नेगा बैंड होने वाले हैं और क्रिस आए हैं, तो अब ये बात सच हो गई ना। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये डिटेल कैसी लगी और किसी ने नहीं बताया था, मैंने बताया, ये बात भी आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ अमेजिंग डे।